अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। बटोगे तो कटोगे तुम खुद कह रहे हो दीदी। मुझे ये भी मालूम हुआ जो गांव में हमारे हिंदू भाई हैं छोटे 20 घर 25 घर 30 घर चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिए हैं, वहां हमें मंदिरों को भी तोड़ दिए हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते। ये मालूम है तो जरा हाथ उठाना जिन्हें मालूम, यानी मालूम है। जहां कम है लव जिहाद के साथ साथ हमारे बहु बेटियों के घर में घुस करके बदतमीजी भी करते, जहां हमारी संख्या कम है हमारे बहु बेटियों के साथ बदतमीजी भी करते, क्या ये भी गांव में होता है? देखिए, मैं कहने आया हूं, कान खोल करके सुन लो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो। अब ये बर्दाश्त नहीं है, हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। अगर मैं आया हूं किशनगंज कहने के लिए, एगो कोई लकड़ी तोड़ लीजिए सुखल और उसको जो चाहे वो तोड़ दे, एगो लकड़ी इतना मोटा रहेगा तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन सुनिए, अगर ये लकड़ी 500 लकड़ी जमा हो जाए, गट्ठर बन जाए, तो कोई पहलवान भी तोड़ पाएगा क्या? ये हम इसलिए कहे कि जिस दिन आदिवासी, जिस दिन सभी समाज, हिंदू समाज के लोग एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल, चाहे रोहिंग्या रहे चाहे बांग्लादेशी, हमें कुछ नहीं कर सकता। एक बात और कहेंगे जो स्वामी जी कह रहे थे, हमें पता चला कि एक तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हम पर अत्याचार करता है हमारे बहु बेटी घर के साथ, दूसरा आजकल क्रिश्चियन वो भी धर्म परिवर्तन कराने पर लग गया है। सुन लो भाई, तुम में तो हिम्मत नहीं है किसी बांग्लादेशी को क्रिश्चियन बनाने का, तुम हम ही को टारगेट कर रहे हो, हम तुम्हारा भी प्रतिकार करेंगे। सुनिए, एक कसम दिलवाना चाह रहा हूं, ए दीदी, लड़ना है आपको, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हमारे शरीर में एक बूंद भी खून रहेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे, पटना में रह करके, कलकत्ता में रह के मीडिया के बीच बोलना आसान है, लेकिन बहु बेटियों का गांव में देखना, दुर्दशा देखने के बाद दिल रो देता। आज महादेव के सामने खड़े हैं, केवल ये आपको वादा करना है जो स्वामी जी ने किया है। स्वामी जी ने क्या कहा, अगर किसी हिंदू के घर में कोई मृत्यु हो जाए तो पूरा हिंदू उसी इलाके का उसके घर पर जाएगा,
जाएगा ना। और किसी के यहां शादी हो तो भी जाएगा। अगर ये बदिया ये घुस बैठिए ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हरा हरा महादेव। महादेव के सामने शपथ लिए हैं, मैं आपसे निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। फिर गांधी चौक पर बैठी, गांधी चौक पर हम मिलेंगे और मिलेंगे तो और भी हम बात कहेंगे। अभी तो हमें लोग, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं, मुझे लाचार मत समझो। मेरी सहनशीलता को कोई कमजोर मत समझो। पैसे के देगा हिंदू जागेगा, ये तो गलती हुई उस समय के नेताओं से। आजादी के बाद से ही हमारे साथ गद्दारी की है। आजादी के बाद गद्दारी हुई, फिर 71 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, उस समय भी बांग्लादेशियों को आने का छूट दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है ना, शंकर जी के त्रिशूल रहता है ना, भाला भी रहता है ना, अपने अपने घर में उसकी पूजा करो। और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।